अगर किसी के पास पैसा है, बाहुबल है या वो समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो न्याय से खिलवाड़ कर लेगा। आज की जो कहानी है वो ये बताती है कि अपराधी चाहे जो कोई भी हो, अपराध करने के बाद वो बच नहीं सकता। केरल की सिस्टर अभया को इंसाफ मिलने में लगभग 29 साल का समय लगा, लेकिन इस कांड में शामिल पादरी और नन आखिरकार सलाखों के पीछे पहुँच ही गए। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। एक गरीब परिवार की लड़की अभया 12वीं की छात्रा थी और केरल के कोट्टायम में एक कॉन्वेंट के हॉस्टल में रह रही थी। ये हॉस्टल एक कैथोलिक चर्च चलाता था। अभया के इम्तिहान सर पर थे। 27 मार्च 1992 को सुबह के 4 बजे थे और अभया पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते उसे प्यास लगी और वो बोतल लेकर पानी भरने के लिए नीचे रसोई की तरफ गई और फिर वापस नहीं लौटी। अभया को बोतल लेकर जाते हुए आखिरी बार उसकी रूममेट सिस्टर शर्ली ने देखा था। अभया की तलाश शुरू हुई और जल्दी ही ख़त्म भी हो गई, क्योंकि अभया मर चुकी थी और कॉन्वेंट परिसर में ही एक कुएं में अभया का शव पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम से पता चला कि सिस्टर अभया की मौत सिर में लगी चोट और डूबने की वजह से हुई थी। उसकी गर्दन के दोनों ओर नाखून के निशान थे। सिर के पिछले हिस्से में एक बड़ा घाव था। अभया की चप्पल, पानी की बोतल और स्कार्फ अलग अलग जगह पर मिले थे। इसके बावजूद एक साल बाद कोट्टायम क्राइम ब्रांच इस नतीजे पर पहुंची कि आत्महत्या का मामला था। परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनकी बेटी ने खुद अपनी जान ली थी। अभया का परिवार गरीब था। उसके पिता मैथ्यू थॉमस इस कानूनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम नहीं थे। तभी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जोमन पुथेन पुरकल ने अभया को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया। इस मामले को कई बार दबाने की कोशिश की गई थी, इसलिए मुख्यमंत्री करुणाकरन से मांग की गई कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। साल 1993 में सीबीआई ने इस केस में जांच शुरू की और साल 2005 तक 12 साल में सीबीआई ने 4 रिपोर्ट दाखिल की, जिनमें से 3 में इस मामले को बंद करने की सिफारिश की गई थी। अदालतों ने सीबीआई की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। अपनी पहली रिपोर्ट में जांचकर्ता कोट्टायम पुलिस से सहमत थे, जिसमें कहा गया था कि अभया ने खुद अपनी जान ली थी। 2 बार ऐसा हुआ जब सीबीआई की टीम ने कहा कि अभया की हत्या की गई थी, लेकिन अपराधियों तक पहुंचने में टीम नाकाम रही। सीबीआई को कई बार दबाने की कोशिश भी की गई थी। सबूतों से छेड़छाड़ हुई थी। कई गवाहों ने अपने बयान बदल दिए थे। साल 2008 में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिया कि इस मामले में गंभीरता से जांच करके 3 महीने में रिपोर्ट पेश करें। इधर सामाजिक कार्यकर्ता जोमेन पुथेन पुरकल ने मीडिया का उपयोग करते हुए इस मामले को दबने नहीं दिया। एक गवाह था अड़का राजू, जो पेशे से चोर था। घटना वाली रात वो हॉस्टल में चोरी के इरादे से घुसा था। इससे पहले भी वो 2 बार वहाँ चोरी कर चुका था। उसने 2 लोगों को उस रात हॉस्टल की छत पर खड़े देखा था, जिनमें से एक की पहचान उसने पादरी थॉमस कोट्टूर के रूप में की थी। हॉस्टल के बगल में रहने वाला एक गवाह और था, संजू मैथ्यू। उसने भी पादरी थॉमस कोट्टूर को हॉस्टल परिसर में देखा था। हालांकि संजू मैथ्यू बाद में अपने बयान से पलट गया था। राजू को भी बयान बदलने के लिए धमकियाँ दी गई थी। सिस्टर अभया की हत्या कबूल करने के लिए मोटी रकम देने का लालच भी दिया गया था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अड़का राजू से सीबीआई ने 58 दिनों तक सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वो बयान पर डटा रहा। इसके बाद सीबीआई की टीम ने फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर पुट्री कायल को गिरफ्तार कर लिया और फिर सामने आई उस रात की कहानी। हुआ ये था कि जब अभया पानी लेने के लिए रसोई में गई थी तो उसने देखा कि वहाँ पर फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर जोस पुट्री कायल आपत्तिजनक स्थिति में थे। वे तीनों अभया को देखकर डर गए कि कहीं वो ये बात हॉस्टल में किसी को ना बता दे। आनन फानन में इन तीनों ने अभया पर हमला बोल दिया। सिस्टर सेफी ने कुलाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। पादरी थॉमस कोट्टूर ने उसका गला दबा दिया। बाद में इन तीनों ने मिलकर अभया को हॉस्टल परिसर में ही एक कुएं में फेंक दिया। हालांकि 2018 में जोस पुत्री कायल को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। 24 दिसंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने अभया की हत्या के लिए 69 साल के पादरी थॉमस कोट्टूर और 55 साल की सेफी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और ये मामला केरल का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मामला बन गया। अभया के माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते लड़ते
साल 2015 में ही इस दुनिया से चले गए। एक्शन काउंसिल के जोमेन पुथेन पुरकल, जिन्होंने अभया और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए अकेले लड़ाई लड़ी थी, वे खुश हैं कि 28 सालों के बाद ही सही लेकिन उनकी मेहनत सफल हुई। ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ और स्पेशल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। धन्यवाद।